वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की 18वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का आज आओ मिलकर एक छोटा सा प्रयास करते हैं। उस मालिक की रची हुई रचना में हर तरह के लोग हैं। गुरु नानक पातशाह असंख्य शब्द का प्रयोग करके जहाँ 17वीं पौड़ी में समझाते हैं कि अनेकों जपी तपी साधक सिद्ध पुरुष उस मालिक की रचना में बने हैं और अनेक तरह से जप तप कर रहे हैं, लेकिन उसी की बनाई हुई इस रचना में अनेक ऐसे जीव हैं जो झूठ फरेब की जीवन जीते हुए और निंदा कर्म करते हुए, पाप कर्म करते हुए अपना ये अनमोल जीवन जो है व्यर्थ गवा जाते हैं। 18वीं पौड़ी में गुरु पातशाह ने ऐसे जीवों का जिक्र किया है कि उनका जीवन कैसा है। गुरु पातशाह पावन फरमान करते हैं, असंख्य मूर्ख अंध घोर, असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य अमर कर जाए जोर, असंख्य गलवड हत्या कमाई, असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कुड़ियार कूड़े फिराए, असंख्य मलेच मल भखाए, असंख्य निंदक सिर करे भार, नानक नीच कही विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। गुरु पातशाह इस पावन पौड़ी में फरमान करते हैं कि उस निरंकार की रची हुई सृष्टि में अनेकों ही अज्ञानी अर्थात महामूर्ख हैं, असंख्य मूर्ख अंध घोर, अनेकों ही अज्ञानी अर्थात महामूर्ख हैं, अंध घोर भाव अत्यधिक अंधकार में, गहन अंधकार में, अंधकार भी इतना कि उसे आगा पीछा उचित अनुचित कुछ भी विचारने में वह असमर्थ हो जाते हैं, अर्थात विवेक शून्य, विवेकशीलता उनमें लेश मात्र भी नहीं रहती, उन्हें अपने जीवन का मनोर्थ ही समझ नहीं आता। ऐसे मनुष्य बुराइयों में गलतान रहते हैं तथा ऐसे ही मूढ़ व्यक्तियों के लिए गुरुवाणी में कितना सार्थक कथन है। परत्रिय रमे बके साध निंद, परत्रिय रमे बके साध निंद, कर्ण न सुने हर जसबिंद, हिरे परदर्व उधर की ताई, अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई। गुरुवाणी में अन्यत्र समझाया है कि पराई औरत में ध्यान, साध संतों की निंदा और ये कान उस परिपूर्ण परमात्मा का यश एक पल के लिए भी नहीं सुनते, ऐसे लोगों की जो अज्ञानता के अंधेरे में है। हिरे पर दर्द उधर के ताई, अपने पेट पूर्ति के लिए, उधर पूर्ति के लिए वो पराया धन जो है वो चुराते हैं। अगर न निवरे तृष्णा न बुझाई, लेकिन उनकी तृष्णा रूपी अग्नि फिर भी नहीं बुझती और वो नित्य तीव्र होती जाती है, बढ़ती जाती है। उस ईश्वर की रचना में अनेकों ही चोर हैं जो पराया माल धन चुरा कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, असंख्य चोर हराम खोर। कितने ही ऐसे हैं जो दूसरों का धन चुरा कर और इस तरह का जीवन बसर करते हैं। अनगिनत मनुष्य प्रायः हक खाने वाले हैं और प्रायः हक खाने वालों के प्रति गुरु नानक देव जी का कथन है, हक प्रायः नानका उस सुवर उस गाई, गुरपीर हमा ता भरे जा मुर्दार न खाई। अर्थात प्रायः हक खाना हिंदू भाई के लिए गाय के मांस के समान है और मुसलमान भाई के लिए सुअर के मांस के समान है। गुरु पीर हमा ता भरे जा मुर्दार न खाई, गुरु और पीर उस मालिक की दरगाह में तभी पक्ष लेते हैं, तभी हामी भरते हैं अगर किसी ने जीवन में प्रायः हक ना मारा हो, अन्यथा वो उनका साथ नहीं देते। उसकी साजी सृष्टि में
अनेकों ही मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों पर ज्यादतियाँ करते हैं और अपनी मनमानियाँ करते हुए, दूसरों पर जुल्म अत्याचार करते हुए इस संसार से चले जाते हैं। असंख्य अमर कर जाए जोर, असंख्य गलवड़ हत्या कमाए। अनेकों ऐसे हैं जो दूसरों की हत्या करने में भी गुरेज नहीं करते। ऐसे ही लोग दूसरों के दुख सुख की परवाह ना करते हुए अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। अनेकों ही ऐसे अधम जीव हैं जो दूसरों की हत्या कर उनका सर्वस्व लूट लेते हैं। यहाँ विचारणीय तथ्य यह भी है कि केवल किसी जीव को शारीरिक रूप से मौत के घाट उतार देना ही हत्या नहीं है। वो तो हत्या है ही, लेकिन इसके साथ साथ गुरबाणी आशय अनुसार किसी को इस कदर मजबूर कर देना, जलील कर देना, वह जीने से मरने को बेहतर समझने लगे, या किसी गरीब की रोजी रोटी पर निज स्वार्थ के लिए लात मार देना, उसे दर दर भटकने को मजबूर कर देना, यह भी एक तरह की हत्या ही है। ऐसे लोगों की भी गिनती नहीं की जा सकती। अनेकों ही मनुष्य पाप कर्म करते हुए भी इस दुनिया से चले जाते हैं। अनेकों ही झूठ बोलने के स्वभाव वाले, झूठ फ्रेब वाला जीवन जिसके वो आदि हो चुके होते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाए, असंख्य कुड़ियार कूड़े फिराए। कुड़ियार यानी झूठ बोलने वाले, झूठ बोलने की आदि हो जाते हैं जो कूड़े फिराएं, और ऐसे जीवन में वो झूठ का ही सहारा लेकर चलते हैं। असंख्य मलेश मल खाएं, अनेक ऐसे हैं जो अखाद्य पदार्थों को भी खाते हैं, जैसे प्रायः खाना वो भी अखाद्य पदार्थों में आ जाता है। तो इस तरह के लोगों की भी कोई गिनती विनती नहीं है, वो भी असंख्य हैं, अनेक हैं। असंख्य निंदक सिर करे बार, और गुरु पातशाह कहते हैं कि अनेकों ऐसे हैं जो पर की निंदा में ही अपने आप को कुछ समझते हैं, दूसरों की निंदा करने में ही अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अनेकों ही निंदक निंदा कर्म जिनका स्वभाव बन गया है, या यूं कहें कि बिना निंदा किए उन्हें खाना ही हजम नहीं होता, तो कोई अति कथनी नहीं होगी। तो दूसरों के पापों की गठरियां वो अपने सिर पर उठाए फिरते हैं, लेकिन उनको इस बात की तनिक भी उनको आभास और एहसास ही नहीं होता। बाबा फरीद जी इस संदर्भ में बड़ा सुंदर समझाते हैं। फरीदा जी तो अकल लतीफ, काले लिखना लेख, अपने गिरेबान में सिर नीवा कर देख। आज सचमुच परमात्मा ने तुझे अकल बख्शी है, तो तू अपने गिरेबान में झांक कर देखना शुरू कर और पाप कर्म मत कर फरीदा, कि इस तरह के कर्म ना कर जो उस मालिक की दरगाह पर तुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। तो काले लिखना लेख यानी बुरे कर्म ना कर, इस प्रकार और भी समझाया गुरबाणी में। अंतर लोभ फिरे हल्काए, निंदा करे सिर भार उठाए, यानी निंदा करते हुए दूसरों का भार भी अपने सिर पर उठाता है। अतः विचारणीय पहलू यह है कि कोई भी कर्म जिसके साथ मन और मस्तिष्क, हमारा हृदय और हमारी बुद्धि दोनों जुड़ी हों, और पूरी सोच समझ के अगर वो काम किया जा रहा है, वो काम नेक है या बुरा है, अच्छा है या बुरा है, उचित है या अनुचित है, पाप कर्म है या पुण्य कर्म है, उस हर एक कर्म का संस्कार बनना शुरू हो जाता है। बार बार मन मस्तिष्क से किया गया काम, रिपीट होता काम संस्कारों में तब्दील होना शुरू हो जाता है, और संस्कार जो हैं वो सहजता से स्वभाव में बदल जाते हैं। कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए गुरबाणी हमें बार बार प्रेरित करती है, हम नेक कर्म करें ताकि हमारे संस्कार अच्छे बने, और हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे तो हमारा स्वभाव कुदरती तौर पर, प्राकृतिक तौर पर ही अच्छा बन जाएगा। फिर कोई विशेष प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। सच बोलना अगर स्वभाव में शामिल हो गया है तो वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे ही झूठ बोलना अगर स्वभाव में शामिल हो गया है तो वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं भी खड़ा होगा तो वो झूठ बोल देगा। इस संदर्भ में अपन एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं इस बात को, इस तथ्य को, कि जैसे अदालत में कोई मुकदमा आता है, कोई केस आता है, दो पक्ष के लोग होते हैं वहाँ, तो वो दोनों पक्ष के लोग जो भी वहाँ गवाही दे रहा होता है, तो वो दोनों पक्ष के लोग गीता जैसे पवित्र ग्रंथ पर हाथ रखकर कहते हैं कि हम जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अब विचारणीय बात ये है कि उन दोनों पक्षों में से एक तो झूठा है, लेकिन
पवित्र ग्रंथ पर दोनों हाथ रख रहे हैं और दोनों कसम खा रहे हैं, और उस समय उनका लालच हो सकता है, लालचवश कर रहे हैं या किसी भय के अधीन कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बोल तो रहे हैं। लेकिन वो दोनों ही पक्ष के लोग जो हैं वो गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाते हैं कि हम जो भी कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनमें से दोनों तो सच्चे नहीं हो सकते। तो कहने का भाव, जैसे संत अपने संत स्वभाव को नहीं त्यागते, वैसे दुष्ट अपनी दुष्टता को नहीं त्यागते। इस संदर्भ में एक छोटी सी बात अपन साझी कर लेते हैं कि जिससे इसकी प्रक्रिया समझ आ जाए। एक बार एक मुनि नदी पर स्नान करे, नदी में स्नान करे, तो उनके साथ बहुत सारे उनके शिष्य थे। तो नदी में जब वो स्नान करने लगे वो मुनि, तो फिर उनके उन्होंने देखा कि पानी में, उस नदी के पानी में एक बिच्छू जो है वो डूब रहा है। तो जल्दी से वो अपने हाथ में अंजलि में लेते हैं और बिच्छू को बाहर फेंकने का प्रयत्न करते हैं ताकि इसकी जिंदगी बच जाए। लेकिन वो जैसे ही हाथ में लेते हैं तो वो डंक मारता है बिच्छू और उनका हाथ का हिलता है और वो फिर वापस पानी में गिर जाता है बिच्छू। तो दूसरी बार फिर कोशिश करते हैं, फिर उठाते हैं और फिर अंजलि में फिर वो हाथ में फिर डंक मारता है और फिर हाथ कांपता है और फिर पानी में वो बिच्छू गिर जाता है। तीसरी बार जब उठाने लगते हैं तो उनके शिष्य कहते हैं, आप क्या कर रहे हो मुनिवर, आप क्या कर रहे हो, वो बार बार आपको डंक मार रहा है, जहरीला प्राणी है और आप हो कि उसको बचाने पे लगे हो। तो उन्होंने जो बात कही तो बड़ी प्यारी बात, कहते हैं कि जब ये छोटा सा प्राणी जिसका डंक मारना स्वभाव है तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं एक मुनि होकर, ऋषि मुनि होकर, मैं अपना संत वाला स्वभाव कैसे छोड़ दूँ, यानी इसके प्राणों की रक्षा किए बिना कैसे रह जाऊँ। तीसरी बार उन्होंने कोशिश करके उसको बिच्छू की जान बचा ली। कहने का अभिप्राय, जब स्वभाव में शामिल हो गया तो फिर संत ना छाड़े संतगी, जे छूट कोटिक मिले असंत। कहते संत अपने संत स्वभाव को नहीं छोड़ता, चाहे उसे करोड़ों असंत दुष्ट मिल जाएं, और ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं त्यागता चाहे उसे करोड़ों संत मिल जाएं। तो अक्सर लोग अपने किस तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, लगभग सभी पुरुषों ने आत्मश्लाघा यानी स्वयं की प्रशंसा और पर की निंदा करने से वर्जित किया है। तो अपनी तारीफ करते हुए और दूसरों की निंदा करते हुए हमारा जो है जीवन खत्म हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे जीवन का असल मनोरथ क्या था और हम कर क्या रहे हैं। तो दूसरों की निंदा ना करें, यही शिक्षा दी गई है। इस संसार में कब क्या हो जाए ये कोई अभी नाव समुद्र में क्या जाने क्या हुए, अभी कुछ नहीं पता कि जीवन में क्या कैसा कुछ घटित हो जाए, और हम हैं कि सारा टाइम दूसरों के दोष देखते रहते हैं और अपने चित नावे जाकर आदनांत, अपने हमें अपनी बुराइयां देखने की आदत ही नहीं बनी, स्वभाव नहीं बना ना, क्योंकि दूसरों के गुनाह देखते हैं और वही गुनाहों को जो है हम एकत्र कर रहे हैं, उसका ही संग्रह कर रहे हैं। लेकिन इंसान की फितरत है वे प्राय दोष ही देखता है और अपनी तारीफ करता रहता है, परंतु अपने अंदर कभी भी झांक कर नहीं देखता। निंदा के बारे में भक्त कबीर जी ने बड़े व्यंग्यात्मक शैली में अत्यंत प्रेरणादायक उद्घोष किया है। वो कहते हैं, निंदो निंदो मोक लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। मुझे बड़ी प्यारी है निंदा, भाई तुम करो जितनी कर सकते हो, निंदा बाप निंदा महतारी, निंदा तुम्हारे माता पिता की तरह है। तो कहते हैं कि निंदा करने वाला मेरा मीत है, असल में सखा है, मेरा सच्चा मित्र है, तैशी है, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा जीत। हमें बहुत अच्छा लगता है निंदक हमारा शुभ चिंतक है, कैसे कि हमारे पापों की गठड़ी भी अपने सिर पर उठाए फिरता है। अब एक बार क्या होता है, कबीर जी जो है वो एक दिन सत्संग करते करते उनको खबर मिली कि फला आदमी उसकी डेथ हो गई है। तो कबीर जी बड़ा ऊंचा ऊंचा रोने लग गए, सारे सत्संगी जो है वहाँ बैठे हुए श्रद्धालु बड़े हैरान कि आप तो हमेशा समझाते हो कि ये संसार नश्वर है, जो प्राणी आया है उसने जाना है, और आप क्या कर रहे हो, एक साधारण से व्यक्ति के लिए आप रो रहे हो। तो कबीर जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहते भाई वो बंदा मेरी निंदा बहुत करता था और निंदा कर करके मेरे पापों की गठड़ी अपने सिर पे उठाए फिरता था, अब मुझे ये चिंता हो गई कि अब मेरी निंदा कौन करेगा। तो कहने से मुराद कि अब हम अपने अंदर झांक के देखें, हमें तो कोई एक ऐसा शब्द बोल दे हमारी जो शान के खिलाफ हो, हम चार उसमें बुराइयां ना निकाल लें या चार उसको ना सुना लें तो हमें चैन नहीं पड़ता।
लेकिन ये संत जन, ये परमात्मा से मिले हुए भक्त जन, वो कहते हैं कि हमें हमारी निंदा करने वाला कोई हो, हमारे पाप अपने आप ही वो उतारता रहे, जबकि वो पाप करते ही नहीं है, फिर भी उनको उतारने की चिंता। हम दिन भर पाप करते हैं, कहते हैं ना, ढलती हुई उम्र को देख के माला को थाम लिया, पाप अनगिनत किए और नाम गिन गिन कर लिया। हमारी फितरत तो ऐसी है। तो खैर, गुरु नानक देव जी भी निंदा कर्म करने वाले को प्रिय बताते हैं और समझाते हैं। निंदक निंदे मुझे प्यारा, जिस निंदे सोई बिद जाने, गुर के शब्दे दर निशाने। अर्थात जिसे निंदक बुरा कहता है वही मुझे प्यारा लगता है। जो अधिकतर निंदा पात्र बनता है वही जीवन युक्ति को समझता है। गुरुदेव का शाश्वत संदेश है। गुरुपाशा कहते हैं, अपनी सोच को यहाँ रखना है और हर पल रखना है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, परणवत नानक तारे सो। गुरु नानक पाशाह का पावन संदेश है, शाश्वत संदेश है कि हमने इसको सोच को यहाँ रखना है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, परणवत नानक तारे सोए। अब हम क्या सोचते हैं, हम नहीं बुरे और चंगा नहीं कोई, हमारी सोच यहाँ कड़ी है असल में। और जब तक हमारी सोच गुरबाणी के जितने विपरीत है, जितनी उल्ट है, उतने ही हम दुखों में हैं, अपने मकसद से भटके हुए हैं। और मकसद से भटका हुआ व्यक्ति जो है वो कभी भी कामयाबी की मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। अतः जब बुरे कर्म यथा झूठ, फ्रेब, चोरी, निंदा आदि करना स्वभाव बन जाता है, तब ये जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। इसलिए हमें नेक कर्म करने चाहिए ताकि हमारे संस्कार अच्छे बने। संस्कार अच्छे बनेंगे तो नेचुरल जो है हमारा स्वभाव भी कुदरती तौर पर अच्छा बन जाएगा। गुरु नानक देव जी नीच शब्द का प्रयोग करके, ये निर्माणता की हद है, प्रकाष्ठा है गुरु नानक पातशाह के अंदर, कि वो कलयुग के जीव को ये समझाना चाहते हैं कि अपने मन को यहाँ रखना है। और हम कहाँ रखते हैं ये हमने अपने आप को कसौटी पर परख कर देखना है, क्योंकि दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल है और उस पर अमल करना उतनी ही कठिन साधना है। उस परमात्मा से साक्षात्कार कर सारी दुनिया के पथ प्रदर्शक स्वयं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर कलयुगी जीवों को प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरमत हृदय गरीबी आवे, गुरमत के धारणी बनकर जो मन में जो है गरीबी, गरीबी वो गरीबी नहीं है तंगहाली वाली, ये है विनम्रता वाली, यानी अंदर विनम्रता बनी रहे, क्योंकि सब कुछ देने वाला वो परिपूर्ण परमात्मा है और उस परमात्मा का हर समय शुक्राना करते हैं, उसके भय अदम भी रहने की सीख दी गई है। अन्यत्र भी गुरु नानक पातशाह ने ऐसे भावों का जो है शब्द उच्चारण किया है, मैं कीता ना जाता हराम खोर हूँ, क्या मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रूप रहा करतार। और कुकर शब्द तक कबीर जी ने, गुरु नानक देव जी ने अपने लिए उसका प्रयोग करके हमें सेध दी है। वो तो परिपूर्ण परमात्मा से मिले हुए संत पूर्णतः मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए हुए और हमें समझा रहे हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। अर्थात हे ईश्वर, मैं तो तुझ पर एक बार भी कुर्बान होने की समर्थता वाला नहीं हूँ। हे मालिक, तू सदा स्थिर रहने वाला है, जो आपको अच्छा लगे, जो तुझ भावे, जो तुद भाव है साई भले का, तू सदा सलामत निरंकार। हर रचना ने मिनिष्ठ हो जाना है, लेकिन केवल वो सृजनहार, वो अकाल पुरख वाहेगुरु, वो कर्ता पुरख, वो परमेश्वर सदा स्थिर सदा कायम रहने वाला है, जिसके लिए कहा गया आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। तेरी सिर्फ सलाह अर्थात उपमा करके तेरी ही रजा में राजी रहना हमारे लिए कल्याण का वास्तविक मार्ग है। कहने का भाव ये कि उस मालिक की सारी सृष्टि तो क्या एक तरह के जीवों पर भी पूर्णतः विचार करने या उन्हें समझने की भी किसी में योग्यता नहीं है, लेकिन हमारा अभिमान बहुत बड़ा है और इस अभिमान के कारण हम दूसरों के दोष देखते हैं। इसी अहंकार के कारण हम कभी अपने गिरेबान में जा कर नहीं देखते। इसी अहंकार के कारण, क्योंकि हमारे अंदर विनम्रता की कमी है और इसी कारण हम दूसरों में दोष देखते हैं, अपने गुणों के बखान करते हैं। और जब तक गुरबाणी के उल्ट चलते रहेंगे उतने तक जीवन का मकसद सफल हो ही नहीं सकता। वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। कहते हैं वेद ग्रंथ धर्म ग्रंथ ये झूठे नहीं है, झूठा वो है जो इस पर विचार नहीं करता, और विचार नहीं करता तो अपने ही हिसाब से
उसके मतलब निकाल लेता है, अर्थ निकाल लेता है। इसके अंतिवी अर्थों को समझना तो कोई साधारण बात नहीं है, पर जितना जितना बार बार इसको पढ़ेंगे, क्योंकि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे बैठ। हम ये सोच के कि ऐसे इसको समझ नहीं आता या पढ़ने से क्या हो जाएगा, हमारा मन तो नहीं लगता, तो हम फल की इच्छा पहले कर लेते हैं और कर्म बाद में करते हैं। हमें कर्म करना है और वो भी नेक करना है, और नेक कर्म करेंगे तो नेक फल भी नेक ही होगा उसका। तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कांते हुए, अगर बबूल बोया है, कीकर बोया है, तो आम नहीं लग सकते, कुदरत का नियम है। तो हम नेक कर्म करें, हमारे संस्कार अच्छे बने, हमारा स्वभाव अच्छा बने, क्योंकि उस कुदरत वाले ने कुदरती तौर पे कहते कुछ भी साथ नहीं जाना, लेकिन बंदे ने अपने संस्कारों को अपने साथ लेके जाना है। अच्छे हैं बुरे हैं उससे वो उसके उस पे निर्भर करेगा, उसके कर्मों पर निर्भर करेगा, लेकिन ये संस्कार जीव के साथ जाते हैं और उसके अनुसार उसकी मालिक की दरगाह में उसका फैसला होता है। तो आगे गुरुवाणी में इस तरह की पौड़ियाँ आएंगी जिस पर अपन विचार करेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे। वाहेगुरु मेहर करें, कृपा करें, रहमत करें, हम प्यार से श्रद्धा से पावन वाणी को पढ़ें, सुने, विचारें, और हो सकता है कभी कृपा करके वो कृपा का सागर, जिसने पढ़ने की समर्थता दी है तो सुनने की समर्थता दी है, तो कभी वो कृपा करके कोई किनका हमारे हृदय में भी बसा देगा, तो ये हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। बस वाहेगुरु की रहमत हो जाए तो सब कुछ मुमकिन है, और उसकी रहमत नहीं तो नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना गाँव कर आइंदा दरमंगन भिख ना पाइंदा, और उसकी नदर हो जाए कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। कर्मों करके ये मानव जीवन मिला है, और उसकी नदर के सदके की बदौलत मोक्ष द्वारा मिल जाना है, यानी जीते जी मुक्तावस्था की प्राप्ति संभव है, सब कुछ मुमकिन है, उसकी रहमत से सब कुछ मुमकिन है। वाहिगुरु सब पर रहमत करे, बख्शिश करे, कोई किनका प्यार का इस पावन बाणी का हमारे हृदय घरों में इस कदर रस बस जाए, जिसकी बदौलत ये लोक सुखी है, पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आपे मेले की अवस्था बन सके। किसी भी तरह की कोई गलती हो गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर अगली पौड़ी के साथ फिर विचार करने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।